हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच लॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस आपको थोड़ी कम आई होगी इस मंथ। उसका रीज़न ये है कि मेरे को थोड़ी बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि कंटिन्यू मेरे को रिपेयरिंग करनी होती है और कंटिन्यू मेरी क्लासेस चलती है। और आप सभी लोगों का प्यार और दुआ जो होता है वो मेरे काम आया, और आप लोगों ने जिन किसी ने भी मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और मेरे लिए दुआ किया, उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया, चाहे वो भाई हमारा कहीं से भी हो। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं आपको रिकंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है सैमसंग का A50s, जिसमें दिक्कत क्या है मैं आपको वो दिखाऊँगा। DC सप्लाई मशीन पर जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और पावर बटन प्रेस करते हैं, तो बूटअप जो बूटिंग होता है उसमें ये ओवर एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो ये ओवर एम्पेयर फ्लो जो होता है, ये फॉल्ट किस तरीके से डायग्नोस करना चाहिए और किस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए मैं आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो है, जिससे कि आप ये जो फॉल्ट है किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए। यानी कोई भी मोबाइल है, अगर आप पावर बटन प्रेस कर रहे हो और DC मशीन उस टाइम आपका ओवर एम्पेयर फ्लो कर रहा है, मतलब ओवर एम्पेयर लोड ले रहा है, तो इस तरह के फ़ोन में किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। और जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, या जिन्होंने पहले कभी कहीं से कोर्स किया है लेकिन वो अच्छे से सीख नहीं पाए हैं और वो चाहते हैं कि वो फिर से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखें, तो अपना नेक्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप उससे कॉन्टैक्ट करें और अपनी सारी सेटिस्फेक्शन होने के बाद हमारे यहाँ एडमिशन का प्रोसेस करवाएँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो कुछ लोग बूट केबल के लिए मेरे को कमेंट करते हैं कि सर बूट केबल नया ले लो। देखो क्या है ना कि मैं बूट केबल लाऊंगा, लाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000-1200 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो फिर से वही कंडीशन में पहुंच जाता है। तो जो बैटरी मेरे पास आते रहते हैं, मैं उसका कनेक्टर चेंज करता रहता हूँ, मतलब उस बैटरी के पत्ते में से निकाल के इसमें लगा लेता हूँ। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो अल्टीमेटली उतनी अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो आते हैं अपने पॉइंट पर, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका फॉल्ट। ये बैटरी कनेक्टर का प्लस का जम्पर मैंने यहाँ लिया हुआ है, और माइनस मैं इसको कहीं से भी दे सकता हूँ। तो देखो अभी कोई भी एम्पेयर इसमें रन नहीं कर रहा, थोड़ा दूर से कवर अप लेना जिससे कि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ दिख जाए। और यहाँ पर मैं सिम ट्रे पे ये लगाने वाला हूँ। तो यहाँ देखो मैंने सिम ट्रे पे लगा दी है, ठीक है, इधर पीछे यहाँ पे बोर्ड पे टिकाया मैंने, और यहाँ सिम ट्रे पे। तो देखो अभी कोई भी रनिंग नहीं है, कोई भी DC का एम्पेयर कंज्यूम नहीं हो रहा है। बट अब आपको ध्यान क्या देना है कि अब मैं इसका पावर बटन शॉर्ट करने वाला हूँ, तब आप इसको ध्यान से देखना। ये देखिए, ये रनिंग स्टार्ट हुई, थोड़ी देर होल्ड रखा मैंने, अब आप इसको देखते रहना एम्पेयर को। अभी बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये अभी हीट अप होना स्टार्ट होगा। अब देखिए ये ओवर एम्पेयर में रन करने लग गया, और बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर, इन दो जगहों पे डाउट हो रहा है, इधर और इधर। तो ये ओवर एम्पेयर रन कर रहा है, तो ज़्यादा देर अगर ओवर एम्पेयर पे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बंद हो जाएगा। एक बार और आपको रिकन्फर्मेशन करवा देता हूँ मैं। देखिए माइनस लगा हुआ है, प्लस के लिए मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के प्लस लाइन में से कंपोनेंट से जंपर लिया हुआ है, यहाँ पे एक कैप है वहाँ से जंपर लिया हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ कनेक्ट किया, कोई एम्पेयर रन नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर पावर बटन को शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट करके थोड़ी देर होल्ड रखूँगा, अब आप देखते रहना। ये देखिए फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब बूटअप का प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फिर आप यहाँ देखना लगभग लगभग 1 एम्पेयर, 800 मिली एम्पेयर, या आप कह सकते हो 1.5-2 एम्पेयर तक भी जा सकता है ये। तो आपको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, आप ये देखिए, देखिए फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड, इस केस को कैसे आपको ठीक करना है, मतलब ऐसा फॉल्ट जब भी आपके पास आता होगा, तो बहुत सारे टाइम जिन भाइयों से फ़ोन ऐसे रिपेयर नहीं हो पाते, वो क्या मिस्टेक करते हैं और उनके मतलब नॉलेज में क्या ऐसा फ़र्क है जो वो इस फॉल्ट को नहीं रिपेयर कर पाए, और इस वीडियो से उनको नॉलेज 100% मिलेगी। तो वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना है। मॉडल जो है वो सैमसंग का A50 है, सॉरी A50s है,
ठीक है, A507F है ये। तो अब मैं आपको अपने माइक्रोस्कोप के कैमरे पे लेके चलूँगा जहाँ पर हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले हैं, और इसमें क्या फॉल्टी कंपोनेंट मिलता है वो मैं ट्रेस करके आपको हैंड कैम से भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं ट्रेस करूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जहाँ पे हीट अप हो रहा था वो इस पोर्शन पे हीट अप हो रहा था, इस सेक्शन पे जहाँ पे पावर आईसी लगी हुई है, यानी पावर सेक्शन पे हीट अप हो रहा है और ठीक पीछे सीपीयू का लगा हुआ है। तो जो मैं यहाँ पे टच कर रहा था ना, तो बिल्कुल गर्म हो रहा था। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ की शील्ड निकालनी है, शील्ड निकालने के बाद मैं यहाँ पे टेस्टिंग करूँगा और टेस्टिंग में हैंड कैम से भी रिकॉर्ड करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने माइक्रोस्कोप के कैमरा पर जहाँ पर हम सबसे पहले इस शील्ड को रिमूव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें और किस तरह से इस फॉल्ट को ट्रेस करना चाहिए किसी को भी। तो देखो, इस तरीके के जो फॉल्ट हैं, अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हो तो प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो अपना नॉर्मली इस फॉल्ट के लिए हम बजर मोड पे मल्टीमीटर को रखेंगे और चेक करेंगे। तो दोनों साइड बीप वाले कैप ढूंढने की कोशिश करनी है, जहाँ पे हीट अप हो रहा हो ना, इस केस में जैसे कि रीडिंग एम्पेयर जो है अपना ओवर जा रहा था, तो आपको सबसे पहले शॉर्टिंग का फॉल्ट जो है वो बोथ साइड बीप वाला कैप ढूंढ के सर्च करना है। तो देखो, बोथ साइड बीप वाला कोई भी कैप हमें नहीं मिला है। अगर बोथ साइड बीप वाला कैप नहीं मिलता है तो और क्या करें, एक बार और देख लेता हूँ मैं। छोटे साइज़ के जो हैं इसके आसपास में लगे हुए, देखो कुछ कैप पे क्या होता है, टेम्परेली बीप आएगा और दूसरे साइड से फिर बीप चला जाएगा, तो उसको काउंट नहीं कर सकते, कंटिन्यू ही बीप आना चाहिए।
जैसे देखो ये बीप थोड़े पल के लिए आ, क्योंकि चार्ज होते हैं कैप। इस कैप पे मुझे लगा था कि बोथ साइड भी पा रहा है, बट वो यहाँ टच हो जा रहा था, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जगह टच हो रहा हो। ये देखो फाइनल मैंने टच करके यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है, और हो क्या रहा है जब मैं इसको ऐसे चेक कर रहा हूँ तो दूसरे पे टच होके मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी कैप थे मैंने सभी को चेक किया है, बट कोई भी कैप फॉल्टी शो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर कैप किसी भी डिवाइस के अंदर में, कोई भी मोबाइल हो, अगर आपको कैप बीप की रेंज पे बोथ साइड बीप वाला कैप नहीं मिल रहा है, तो अगर बीप की रेंज से आपको कैप शॉर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कैप शॉर्ट भी होता है और कैप लीक भी होता है। तो कैप अगर शॉर्ट होगा तो बोथ साइड आपको बीप दे जाएगा, लेकिन अगर कैप लीक होगा तो आज तक आपने किसी भी वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं देखा होगा कि लीक कैप कैसे पता चले। तो लीक कैप अगर होता है तो कैसे पता चले, क्योंकि इसमें मुझे बीप कैप नहीं मिला है, मतलब शॉर्ट वाला कैप नहीं मिला है, तो मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें लीक है कैप। तो अब मैं इसको डायोड की रेंज से चेक करूँगा। आपको लीक वाला कैप अगर सर्च करना है तो आप डायोड का रेंज या ओम्स का रेंज यूज़ करें। वो किस तरह से और क्यों करते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो बीप का रेंज जो होता है ना, वो बेसिकली ढूंढता क्या है, जैसे देखो मैंने एक तार अभी ग्राउंड पे रखा हुआ है और दूसरी तार को मैं किसी और एरिया पे लगा रहा हूँ, तो डायोड का रेंज तो 0 0 दिखाने लगता है, लेकिन वही जब हम बीप के रेंज से चेक करते हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड हमें बीप साउंड आता है, मतलब वो माइनस। तो कैप का एक हिस्सा प्लस में होता है और दूसरा हिस्सा माइनस में होता है, तो माइनस साइड पे तो बीप आना ही चाहिए, लेकिन प्लस साइड पे बीप आने का मतलब होता है कि उसकी प्लस और माइनस जो टर्मिनल्स बोर्ड पे अटैच थे वो एक हो गए, लेकिन लीक कैप ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपको। और आज तक हो सकता है आप लीकेज का फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो अब जो है मैं आपको डायोड के रेंज से सर्च करते हैं, अगर हमें नहीं मिलता है तो फाइनली, मतलब अगर हमें लीक कैप भी नहीं मिलता कोई भी कैप, तो ये जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा था ये पूरा नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, तो मैं किसी ना किसी वीडियो में आपको ये पूरा करके ज़रूर दिखाऊंगा लीक कैप ढूंढ के। तो अगर बात आती है कि अगर लीक कैप नहीं मिलता है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर तब भी आईसी हीट हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो पावर आईसी में शॉर्टिंग है या फिर सीपीयू में शॉर्टिंग है, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट आपको अगर कंपोनेंट लेवल से क्लियर नहीं होता है तो जो आईसी हीट हो रही होती है उसी आईसी का फॉल्ट माना जाता है, और उस आईसी को फिर रिमूव करके देखा जाएगा। मतलब अगर मुझे भी लीक कैप नहीं मिलता तो फिर मैं इस पावर आईसी को निकाल के इस पर दूसरी पावर आईसी लगाऊंगा और फिर मैं फ़ोन चेक करूँगा कि ऑटो रीडिंग और हीटिंग इशू ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो अभी डायोड के रेंज पर आ गए हम, तो आप देख सकते हैं सभी में एक साइड जो है 0 0 का आ रहा है यानी ग्राउंड साइड, और दूसरे साइड पे डायोड की रेंज से चेक करने पे GR आ रहा है। जहाँ पर डाउटफुल लगे पहले उसी एरिया को चेक करो जहाँ पे आप लोगों को रेगुलर शॉर्टिंग्स वगैरह मिलती रहती हो। बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है इसमें मल्टीमीटर में, वैसे जो लीक का फॉल्ट होता है ना ज़्यादातर टाइम शॉर्ट, मतलब जो मतलब लीक वाले शॉर्टिंग मिलती है वो कैप में मिलती है और डायोड में भी मिलती है। तो डायोड वाली वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वीडियो में डायोड की शॉर्टिंग कैसे पता लगी है लीक डायोड का।
जीरो जीरो वाला साइड जो आ रहा है उसका मतलब है वो ग्राउंड साइड डिटेक्ट हो रहा है, और जो ऑपोजिट साइड आ रहा है वो वैल्यू वाला, इसका मतलब पॉजिटिव साइड। वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें, कहीं पर भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ढूंढ के आ रहा हूँ, जैसे आप देखो मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो जी आर वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ कि किस पे मुझे मिनिमम मिलती है कम। तो देखिए सभी पे ना जी आर वैल्यू मुझे ज़्यादा मिल रही है, ये देखिए सभी पे मुझे जी आर वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। ये देखिए, चलिए ये छोटा कैप ले लीजिए, ये छोटा कैप है, यहाँ पे 18 मतलब 1800 से समथिंग आ रहा है, बट इस वाले कैप पे जब मैंने लगाया है तो इस पे मुझे एक साइड पे 00026 मतलब 3233 के आसपास आ रहा है, और ये वैल्यू अभी बढ़ रहा है। और ऑपोजिट साइड तो इसका एक हिस्सा ग्राउंड में है, ये देखिए ये वाला हिस्सा ग्राउंड में है, और इस वाले हिस्से पर जब मैं लगा रहा हूँ तो मुझे वैल्यू सबसे कम मिला। मैंने जितने भी कैप अभी चेक करे हैं डायोड की रेंज से, उसमें सबसे कम वैल्यू मुझे इसी रेंज पे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए डाउटफुल है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ओम्स की रेंज पे भी चेक करके बताऊंगा। जैसे चलिए ये छोटा कैप है, ये देखिए 00 हो गया। अब देखिए जब मैं इस शॉर्ट कैप पे लगा रहा हूँ तो देखिए क्या होता है, ये देखिए रीडिंग आ गई। तो अब इसको मैं निकालने वाला हूँ क्योंकि ये सस्पेक्ट में आया है, और डायोड की रेंज से लीक कैप का डाउट हुआ है। अगर ये ख़राब नहीं होता तो हम और भी चेक करेंगे, क्योंकि लीक डायोड पे आपको कम वैल्यू मिलेगी, मतलब जो जी आर होती है ना उसकी बहुत कम होगी। तो जो भी आपको 200 से नीचे या 100 या 99 या 60 65 30 मतलब जितनी ज़्यादा जी आर कम मिले आप उस पर डाउट कर सकते हैं। आ रहे कैमरे में, देखिए ये कैप बाहर आ गया है। अब इस कैप को मैं सबसे पहले एक कॉटन पे रख लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको इस कॉटन पे रख लिया। आपको फ्रेंड्स ध्यान क्या देना है कि जो लीक कैप या डायोड होता है, तो जैसे एक कैप है तो पहले कैप की बात करते हैं। देखिए जब हम उसको बीप के रेंज से नॉर्मली चेक करते हैं, एक बार पास में आ जाइएगा, देखिए जैसे इसको हम बीप के रेंज से चेक करते हैं, पहले मल्टीमीटर भी कवर अप हो जाए, हम टेप की हेल्प ले लेते हैं इस कैप को चेक करने के लिए, नहीं तो कैप हो सकता है इधर उधर उड़ जाए। यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है मैं उसी में ले आता हूँ। आ रहा है थोड़ा नीचे, बस बस बस, ठीक है। तो देखो शॉर्ट कैप जो है मैंने यहाँ पे लगा लिया है, टेप पे, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना इधर उधर बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है। और मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको, कभी भी अपने वीडियो में मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, जो भी ऐसे ही मैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स जब सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल क्लियरली मैं समझाता हूँ, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर ना मास्टर्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स तो वो ऑलरेडी होते ही हैं,
तो यहाँ पे देखो ये बीप की रेंज से जब मैं चेक कर रहा हूँ ना तो ये शॉट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी देखना इसको मैं डायोड की रेंज से चेक करूँगा। देखो ये डायोड की रेंज पर आ गया है, वापस एक बार बीप की रेंज से चेक करवाता हूँ। लाइट अभी मैंने ऑन करी है इसकी, ये देखिए ये देखिए ये शॉट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये फुल शॉट हुआ ही नहीं है। लीक का मतलब होता है 60% ख़राब हो गया हो, 40%, 70%, 80%, 90%, 99% तक वो कैप ख़राब हो गया होगा, लेकिन क्योंकि वो 100 होता तो वो बीप देने लगता। तो अब देखो डायोड की रेंज से अगर लीक कैप होता है तो वैल्यू कंटिन्यू देता है। ये देखिए कंटिन्यू वैल्यू देगा ये, मैं जब तक इसको अगर सुबह से शाम तक लगा के रखूँ तो ये कंटिन्यू वैल्यू देता रहेगा। अब कई लोग इसमें चार्ज कैप और डिस्चार्ज कैप में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी मैं टेंशन दूर कर देता हूँ। यहाँ पर कोई भी कैप अगर चार्ज हो तो उसको ट्वीज़र से टच करने के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है, सभी लोग जानते हैं ये बात। ठीक है, तो यहाँ मैंने टच कर दिया। अब ये मीटर की एक ही लीड से मैं टच कर देता हूँ, इससे भी देखिए टच कर दिया मैंने इसको। अब ये डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिस्चार्ज होगा ही नहीं बिकॉज़ ये लीक है। और लीक कैप को मल्टीमीटर से पकड़ने का जो ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, ये आज तक आपको किसी भी टेक्नीशियन ने बताया ही नहीं होगा। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे टेक्नीशियन अब कॉपी करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट बनाते हैं और हम ओरिजिनल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये कंटिन्यू वैल्यू दे रहा है। एक बार ये लाइट ऑन कर दीजिए, दिख रहा है और अच्छे से दिख जाएगा ना, ये देखिए कंटिन्यू वैल्यू दे रहा है ये। अभी यहाँ से हट गया गोंद, यहाँ पे मीटर की लीड को भी पकड़ रहा है। कैमरे में अच्छे से आ गया, ये देखो कंटिन्यू वैल्यू देगा। तो ये लीक कैप है, तो कभी भी अगर आपको लीक कैप होगा तो इस तरीके से मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमने लीक कैप तो हटा दिया है, एक और चीज़ चलो क्लियर कर देते हैं आपको। किसी और बोर्ड में से मैं आपको कैप निकाल के चेक करवाता हूँ कि ओके कैप कैसा रहता है। ठीक है, इसी साइज़ का कैप निकालता हूँ मैं, देखना। अभी ओके कैप को मैं डायोड की रेंज से चेक करूँगा ना, और ओम्स की रेंज से भी चेक करके दिखाऊँगा मैं आपको, तो वो बीप नहीं देगा, सॉरी कंटिन्यू वैल्यू नहीं देगा, वो आपको ओ एल दिखाएगा, क्योंकि ये ओ एल वाला मल्टीमीटर, इसमें ओ एल आता है। अगर आपका मल्टीमीटर 1 जिस पे कंटिन्यू आता रहता है तो वो 1 दिखाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो आपको स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, जिस पे आपकी मैडम से बात नहीं होगी, किसी मैनेजर से बात नहीं होगी, मतलब किसी थर्ड पर्सन से नहीं, डायरेक्ट मुझसे बात होगी, यानी आपके टीचर से, क्योंकि सिखाना तो टीचर ने है, मैडम को तो बस कॉलिंग करनी है और आपको बताना है कि ऑफ़र ख़त्म होने वाला है भैया, एक ही सीट बच गई है, दो ही सीट बच गई है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, जैसे पता नहीं कौन बनेगा करोड़पति में आप जा रहे हो, इस तरीके से आपको कॉल और मैसेजेस किए जाते हैं। अब देखो मैंने एक दूसरे बोर्ड से कैप निकाला है और इस कैप को मैं चेक करने वाला हूँ। ये देखो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना, तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा ये कैप, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा। आप भी ये चेक करके देख सकते हैं। तो जब आपको शॉर्ट कैप मिले, और जिस दिन भी आप इस वीडियो से सफलतापूर्वक फ़ोन रिपेयर कर लें और इस टॉपिक का आपको फ़ायदा हो, तो आज अगर आप कमेंट करें बगैर इस वीडियो को जा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्त, क्योंकि कमेंट करना ना करना आपके दिल की मर्ज़ी है, मतलब आपका माइंड और दिल जो भी है, जहाँ से भी आप सोच के कमेंट करते हो उसकी मर्ज़ी है, बट एक लाइक और एक कमेंट तो डिज़र्व करता है ये वीडियो, क्योंकि आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आज से पहले आपने किसी की वीडियो में नहीं देखी होगा। डेट नोट कर लो, इसके बाद देखना इस तरह की वीडियोज़ में आपको ज्ञान काफ़ी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान एक दूसरे की वीडियो को देख कर दिया जाता है, और यहाँ पर मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपके लिए यूनिक चीज़ लाऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इस कैप को चेक कर रहे, कोई वैल्यू नहीं है, और वही देखो अभी मैं इस कैप को चेक करूँगा और इस पर वैल्यू आएगी, ये देखिए वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये कैप लीक है और ये वाला कैप जो है वो लीक नहीं है। अब इसको ओम्स की रेंज से भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये वाला ओके है तो ये ओके ही दिखाएगा, ये देखिए कोई वैल्यू नहीं, और देखिए वैल्यू इस पर गोंद आ गया, गोंद हटा देता हूँ मैं,
आ रहा है वैल्यू? ठीक है, अब उस वाले को भी एक बार वापस चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर ही लीड लगा दे रहा हूँ मैं इसके दोनों सिल्वर पॉइंट्स पर। नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मैंने बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करना सिखाया है। आप ओम्स की रेंज पे भी कंटिन्यू वैल्यू चेक करें और डायोड की रेंज पे भी। अगर कोई भी कैप पे कंटिन्यू वैल्यू आती है बोर्ड से बाहर, ऑफ द बोर्ड और ऑन द बोर्ड अगर आप चेक करेंगे, तो उसकी जीआर बहुत कम आएगी। चाहे जीआर 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, 200 से नीचे बिलो या 250 से नीचे बिलो आपको मल्टीमीटर का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं और एक बहुत ही सस्ता मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप किसी भी शॉर्ट लीक कंडीशन वाले कैप का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें से जैसा कि मैंने शॉर्ट कैप हटा दिया है, तो अब इस बोर्ड को मैं लगा के चेक करता हूँ कि फ़ोन अब हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चंपा निकल गया, चलो कोई नहीं होता, हम बैटरी से ही चेक कर लेंगे, इसको रीयूज़ कर लेंगे, टेप को वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं। चार्ज पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, या इसका बैक पैनल लगा के ऑन करके देखते हैं। चार्जिंग केबल टाइप सी पोर्ट, यहाँ की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, चल रही है। देखिए यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर आ गया है, अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए A50S आ गया। तो फाइनली एक छोटा सा कैप लीक था जिसके वजह से ऑन नहीं हो रहा था, और ये फ़ोन जो है कस्टमर ने कहीं भी पहले नहीं दिखवाया था। सील्ड भी मैंने ही निकाली है, और अगर दिखवाया होता तो पता नहीं किस कंडीशन में ही आता मेरे पास। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयर करवाना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, चाहे वो कोई से भी कंपनी का मोबाइल हो, आप संपर्क करिए। आपको हम जो प्राइस बताते हैं, अगर उस पर लगता है आपको कि हाँ हमें रिपेयर करवाना चाहिए तो करवाएं, नहीं तो अपने शहर में, आसपास में, नियर अबाउट में, जहाँ पर आपका लगे कि हाँ यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में हो जाएगा, वहाँ से करवा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, और DP भी ऐसी लगी हुई है, पासवर्ड भी है इस पर। देखो DP में यहाँ भोलेनाथ है, प्रणाम भोलेनाथ। तो ये फ़ोन ऑन हो गया है, और एक कैप लीक था और मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप लीक कैप को सर्च कर सकते हैं मल्टीमीटर से। और इस तरीके का अगर आपके पास भी फॉल्ट आता है और आप रिपेयर नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को रिपीट वॉच करें और अच्छे से समझें कि मैंने आपको क्या बताया है। और फ्रेंड्स, अगर किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपना बैच ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, आप एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, आपको हमारे यहाँ पर कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी, बेसिक से एडवांस तक। और हम लोग कोई जादू की छड़ी नहीं देते किसी स्टूडेंट को, मेहनत करना सिखाते हैं और उस मेहनत से रिजल्ट लाना सिखाते हैं। बिकॉज़ देखो, आज जिस बल्ब के नीचे बैठ के मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, उस बल्ब को इनोवेट करने में मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा है कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उन साइंटिस्ट को फेलियर का सामना करना पड़ा था। आप में से अगर कोई दोस्त कोर्स करता है तो उसको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेहनत ही रिज़ल्ट लाता है, और ट्राई करने से ही कुछ नया होता है। हाँ, उसमें कुछ टाइम आपका प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स, यही कहूँगा मैं हिमांशु कुमार, आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा। और आपको कैसे वीडियोस चाहिए और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से जैसे आप बनाए रखे हुए हैं, इसी तरीके से इसको 100 गुना बढ़ाएं, तो वीडियोज़ भी आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेंट मिलने वाला है। क्योंकि
क्योंकि जैसा आप मुझे कमेंट करके बताते हैं मैं उसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ। तो जिन भाइयों ने मुझे लिकेड शॉटिंग के लिए कमेंट कर रहे थे उन भाइयों को ये डेडिकेटेड वीडियो, और जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीख रहे हैं या सीखने गए हैं कहीं पर, तो अगर आप उनके दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, तो मेरी वीडियो को, इस वाली को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनका नॉलेज का एक प्लस पॉइंट ऐड हो उनमें, क्योंकि कोई किसी की भी हेल्प करनी बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं हिमांशु कुमार आज आप सभी से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।